हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा ग्रिड व्यू में हम एसक्यूएल सर्वर से डेटा कैसे शो कराएं। तो हमारे पास ये डेटा ग्रिड व्यू है, डेटा ग्रिड व्यू वन इसका नाम है, ठीक है। और हमारे पास एक एसक्यूएल में टेबल बना हुआ है, ठीक है। हमारे पास इशू अमाउंट के टेबल बना हुआ है, तो उसके अंदर ये डेटा है, मैंने ये डमी डेटा इसमें इंसर्ट करा लिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अगर मैं ये पेज लोड पे करा रहा हूँ, अगर आप बटन क्लिक या कोई किसी भी इवेंट पे कराना चाहे तो वो करा सकते हैं। मैं पेज लोड पे करा रहा हूँ, तो मैंने विंडो के फॉर्म पर डबल क्लिक करा और यहाँ से ट्राई कैच ओपन करा। पहले तो ट्राई कैच के अंदर एसक्यूएल कमांड सीएमडी इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, तो सीएमडी मैंने नाम रखा है। सीएमडी मतलब कमांड, आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टोर प्रोसीजर या जो भी है वो आ जाएगा। देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये एसक्यूएल कमांड के जो है ओवरलोडेड चार हैं। पहले में सिर्फ कमांड मांग रहा है, फिर दूसरे में कमांड और कनेक्शन मांग रहा था, हम तीसरा वाला यूज़ कर रहे हैं। मैंने पहले में आ गया स्ट्रिंग आ जाए, मतलब हमारा वो आ जाएगा कमांड जो है, और दूसरे में आ जाएगा कनेक्शन। तो कनेक्शन जो मैंने मेन क्लास में बना के रखा हुआ है, हमारे मेरे पास एक बनी हुई मेन क्लास, इसके अंदर मेरा एक कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, जो कि एक फाइल से मैंने मंगवाया हुआ है, ठीक है। तो यह कनेक्शन अपना बना हुआ, आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, कनेक्शन स्ट्रिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने डायरेक्ट मैन लिखा और कौन मेरा मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग। अच्छा, अब उसके बाद मैंने इसको सीएमडी डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट, अच्छा यहाँ पर कुछ हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, आई का आ रहा है स्टोर प्रोसीजर और एक डायरेक्ट टेबल और एक टैक्स। तो स्टोर प्रोसीजर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो स्टोर प्रोसीजर अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट क्यूरी दे देते हैं तो आप यहाँ पे टैक्स यूज़ करेंगे। अगर मैं स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। इसके बाद अच्छा, मैं सिंबल सेलेक्ट करवा रहा हूँ, तो मैं पहले इसके यहाँ पर एक मिनट, इसके बाद की हम कहानी कर लेते हैं। सी एम डी डॉट वेट, अच्छा कमांड टाइप बताने के बाद हम अपना कनेक्शन को यहाँ पे ओपन भी कराएंगे, ठीक है। कॉन डॉट ओपन, ठीक है, मैन क्लास डॉट, मतलब आप कनेक्शन अपना ओपन क्लोज़ करा दिया, ठीक है, ओपन क्लोज़ करा दिया। और इसके अंदर जो भी काम करेंगे हम इसके अंदर करेंगे, जैसे कि अगर मैं मुझे ग्रिड व्यू में डलवाना है तो मैं यूज़ करूँगा एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर डेटा डी ए, इसका नाम रखा है इक्वल्स टू न्यू डेटा अडॉप्टर और इसके अंदर मैंने डाल दिया सी एम डी, ठीक है। मतलब ये जो भी रन हो के डेटा आएगा वो हमारा डी ए में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने बनाया डेटा टेबल डी टी इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल और डी ए डॉट फिल, और फिल किसको करा दिया हमने डी टी को, मैंने इसको डेटा टेबल में हमने डेटा डलवा दिया, डी ए से फिल करवा दिया हमने डी टी को, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना कमांड या स्टोर प्रोसीजर जो भी है वो देंगे, तो मैं स्टोर प्रोसीजर पहले यहाँ बना लेता हूँ। क्रिएट प्रोसीजर, सॉरी क्रिएट प्रोसीजर, अच्छा मैंने क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम आप दे दें जो भी आपको देना है। मैंने सेलेक्ट इशू अमाउंट्स के नाम से एक स्टोर प्रोसीजर बनाया, उसके आगे लिखा एज और यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट फ्रॉम इशू, सॉरी अच्छा यहाँ नहीं रहा, इसको मैं डायरेक्ट कॉपी करके लिख देता हूँ, हो जाएगा, ठीक है। और इसका मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म आई एस नहीं लिखते, इसको सिर्फ एस लिख दिया। और मैं यहाँ पे वन टू वन सबको मतलब सेलेक्ट करवा रहा हूँ, जो जो मुझे सेलेक्ट करवाना है, जो जो इसकी कॉलम्स है, मैंने यहाँ पे लिखा एस डॉट, सॉरी एक मिनट ये आ नहीं रहा है, तो मैं इसको सेट कर लूँ ज़रा। मैं सबको सेलेक्ट करवा के देख लेता हूँ, पहले मैंने यहाँ से ऑल को सेलेक्ट करवाया अभी और क्यूरी रन कर दी। देखें डेटा तो आ रहा है लेकिन ये एस से नहीं आ रहा, ये मैंने टेबल जो है वो बाद में बनाया। मैं एक मिनट एसक्यूएल सर्वर को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। जब तक हम अपना यहाँ पे आगे काम कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने जब डी टी
को मतलब फिल करा दिया था, कनेक्शन भी क्लोज हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो हम ये करते हैं कि हमारा जो डेटा ग्रिड व्यू डॉट वन, इसका डेटा सोर्स इक्वल्स टू हमारा जो डेटा टेबल हमने डेटा सॉरी जो डेटा टेबल है इक्वल्स टू डेटा टेबल सॉरी सही है इक्वल्स टू क्या बोल रहा है सॉरी यार नाम गलत हो गया, डी टी डेटा टेबल, ठीक है ना। हमने कमांड टाइप वगैरह बताई, डेटा अडाप्टर बनाया, फिर डेटा टेबल बनाया, फिर डेटा टेबल के बाद हमने डेटा अडाप्टर से डेटा टेबल को फिल करा दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करा, जो हमारी ग्रिड व्यू है उसका डेटा सोर्स में हमने डेटा टेबल दे दिया, ठीक है। बस हम अब हमें करना ये जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है वो हमें लिखना है, और पुरानी फाइल ओपन करा लेता हूँ। ठीक है एस, अब यहाँ मैं डेटा टेबल, मैंने ये डेटा मतलब वो डेटा बेस अपना सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और यहाँ से मैंने लिखा एस डॉट आ गया एस डॉट। हमारे पास जितने कॉलम्स हैं जो जो सेलेक्ट करवाने हैं वो मैं यहाँ ले आऊँगा। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में देनी चाहिए, सही है। सारे हमारे यहाँ पे आ रहे हैं कॉलम, तो एक एक करके हम सेलेक्ट करवा लेते हैं। सबसे पहले तो हमें नाम चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनर ज्वाइन लगा रहा हूँ। अच्छा इनर ज्वाइन किससे लगा रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय से, क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉय का नाम आएगा एम्प्लॉय से मैंने करा। किस पे करा, ऑन, क्योंकि यहाँ पे भी एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे भी सेम कॉलम है एम्प्लॉय आईडी के नाम से, तो मैं एम्प्लॉय आईडी पे सेम करवा लेता हूँ। अच्छा मैं इसका भी शॉर्ट नेम दे देता हूँ ई, इसका शॉर्ट नेम है एस और इसका शॉर्ट नेम है ई। तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ एस डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। मतलब वहाँ से सिलेक्ट कर लो जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एस इस टेबल में और इस टेबल में सेम हो, वहाँ से आप मतलब कर लो, सिलेक्ट कर लो। अच्छा मैं अब यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई डॉट एम्प्लॉय नेम सॉरी ई डॉट नेम, मतलब ये एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा एज, मैं उसकी हेडिंग डाल देता हूँ एम्प्लॉय नेम, ठीक है। इसके बाद मैंने लगाया कॉमा, और दूसरी, अब दूसरा मुझे क्या चाहिए, अब इस वाले टेबल में से तो मुझे सिर्फ एम्प्लॉय का नेम चाहिए था। अब इशू अमाउंट में से हम लिखते हैं एज डॉट इशू डेट, फिर यहाँ पे एज लिखते हैं और इसकी हेडिंग डाल देते हैं इशू डेट, ठीक है। फिर हमारे दोबारा एज डॉट अमाउंट एज इशू अमाउंट, ठीक है ना, हेडिंग डाल रहा हूँ एज। अब हमारी लास्ट कॉलम है एज डॉट स्टेटस, कि वो इशू हुई हुई है या नहीं हुई हुई है, एज स्टेटस, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है, रन क्यूरी करके देख लिया, ठीक है। एम्प्लॉय नेम आ रहा है, इशू डेट आ रहा है, और ये हमारा इशू अमाउंट आ रहा है, इशू स्टेट। अब अच्छा अब डेटा क्यों नहीं आ रहा, अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ तो डेटा है, लेकिन ये जिस एम्प्लॉय आईडी पे हुआ हुआ है वहाँ पे हमारा एम्प्लॉय, इस आईडी से कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, तो इसलिए वो डेटा नहीं आ रहा। मैं इसको भी सही कर लेता हूँ, एक मिनट, सेलेक्ट इसको सही कर लेता हूँ। इसकी एम्प्लॉय आईडी 123 है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 1001 कर देता हूँ, सही। तो यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय सेट ईएमपी एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब हम अपना जो क्यूरी है वो चलाते हैं, सॉरी क्यूरी ने चलाई सॉरी, ठीक है। अब देखिए एम्प्लॉय आईडी सेम थी, तो उसकी जितनी उसकी मतलब इशू हुए अमाउंट वो आ गए,
तो मैं इसका प्रोसीजर मैंने बना दिया क्रिएट प्रोसीजर सक्सेसफुली, और यहाँ से मैंने इसका स्टोर प्रोसीजर का नाम पिक करा और यहाँ पे हमने सिंपल लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। शुकेश, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है और ये चेकबॉक्स भी ऑटोमेटिकली आ गया 01 पर। ठीक है, हमारे पास डेटा आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई सवाल आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे आप कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं।